जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम सेटियागो चिली दौरे पर गई थी और यह टीम चिली में जूनियर चिली टीम को 2 मैच से तथा सीनियर चिली टीम को 3 मैच से पराजित कर कल स्वदेश लौटी। इस टीम में सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती करण गागुड़ी गाँव के 3 खिलाड़ी संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी एवं ब्यूटी डुंडुम भी थी। इन तीनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तीनों खिलाड़ियों के भारतीय टीम के द्वारा किए गए कुल 18 गोल में से 10 गोल इन्होंने ही किए, जो इनके अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। आज यह जिला मुख्यालय से अपने गांव करनागुड़ी पहुंचे। गांव पहुंचते ही पंचायत के मुखिया शिशिर मिंज की अगुवाई में सैकड़ों महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियाँ इन्हें मुख्य पद पे ही रोक दिए और पूर्व से ही तैयार ढोंड नगाड़े इत्यादि के साथ नाचते गाते इन्हें पालकी में बिठाकर इनके द्वारा हॉकी की शुरुआत की गई। वहीं विद्यालय आरसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय करनागुड़ी के खेल के मैदान तक लिया गया और वहां पर इनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इन्हें शॉल उड़ाकर एवं गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं तीनों बेटियों के माता पिता को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इनके सम्मान में उस मैदान में बालक बालिकाओं का एक एग्जीबिशन हॉकी मैच भी रखा गया था और गांव के विभिन्न नृत्य मंडलियों के द्वारा कई तरह के पारंपरिक नाच गान के द्वारा इनका स्वागत किया गया। इनके स्वागत में पूरा गांव ही उमड़ पड़ा था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या युवक, क्या युवतियां, सभी का उत्साह देखने को बनता था। इनकी कई सहपाठियां भी वहां पर उपस्थित होकर इनका स्वागत किए। वहीं इनके साथ हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि जिला में यह पहला अवसर है कि किसी भी खिलाड़ी को इस तरह भव्य स्वागत किया गया है। हॉकी सिमडेगा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गाँव के सभी सदस्यों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। मुखिया शिशिर मिंज ने कहा कि हमारे गांव की बिटिया लगातार उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और इतनी ऊंचाई तक गई हैं और अभी कई नई पीढ़ी के खिलाड़ी अभी इन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। यही सब कामनाओं को सोचकर हम लोगों ने इनके प्रोत्साहन के लिए इस तरह का आयोजन किया है। इस तरह के आयोजन से छोटे छोटे बच्चे देखकर उनमें और कुछ करने की ललक जगेगी। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर पोलुस बागे ने कहा कि हमारे गाँव की यह तीनों बेटियाँ विदेशों में खेलकर राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। इनका अनुसरण कर हमारे और भी बच्चे आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। स्वागत समारोह में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य संजय सिंधिया, मुखिया बांसेन शिशिर मिंज, हॉकी सिमडेगा के मनोज कुनबेगी, कमलेश्वर मांझी, फादर पोलुस बागे, शिक्षक तिंतुस बाड़ा, सनी मांझी, हॉकी कोच सुमिला मिंज सहित तीनों खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य तथा गाँव के सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।